हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमएस एक्सेस में डेटा टाइप्स बता रहा हूँ, क्योंकि डेटा टाइप्स के बाद ही हम प्रैक्टिकल प्रारंभ कर सकते हैं। डेटा टाइप्स तो जिस प्रकार का डेटा हम टेबल में स्टोर करना चाहते हैं, उस डेटा के नेचर को हमको बताना पड़ता है कि आखिर टेबल में किस प्रकार का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं। तो मेनली एमएस एक्सेस में 9 प्रकार के डेटा टाइप प्रयोग किए जाते हैं, जिनके द्वारा हम टेबल में कॉलम्स को उनका डेटा टाइप प्रदान करते हैं। तो पहला डेटा टाइप जो होता है वो टेक्स्ट होता है, अर्थात हमें यदि किसी का नाम इत्यादि लिखना है जिसकी रेंज 0 से 255 कैरेक्टर के बीच में हो, तो हम टेक्स्ट डेटा टाइप वहाँ पर यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें अंकों में मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करना है या अंकों में किसी चीज़ को दर्शाना है किसी कॉलम में डेटा को, तो उस कॉलम का डेटा टाइप हम नंबर रखते हैं। इसमें बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, साइज़ के अनुसार इनकी भी अलग अलग वैरायटी यहाँ पर बताई जाती है। यदि हमारे टेबल में डेट और टाइम का प्रयोग हो रहा है तो डेट और टाइम हम रखते हैं वहाँ पर डेटा टाइप। यदि हम अपने टेबल में किसी देश की करेंसी या मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो करेंसी डेटा टाइप हमको मिलता है, तो वहाँ पर हम करेंसी डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। यदि हमारे पास कोई ऐसा कॉलम है जिसमें टेक्स्ट से ज़्यादा 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हमारे पास डेटा आ रहा है, तो हम उसको मेमो डेटा टाइप देते हैं। इसकी रेंज टेक्स्ट डेटा टाइप से अधिक होती है। यदि हम अपने टेबल में किसी कॉलम में किसी वेबसाइट की लिंक को ऐड करना चाहते हैं, वेबसाइट को भी ऐड करना चाहते हैं, तो हाइपरलिंक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। यदि हम अपने टेबल में किसी दूसरी फाइल को जो कहीं और हमारे कंप्यूटर में सेव है उसको हम ऐड करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, OLE ऑब्जेक्ट करके डेटा टाइप मिलता है, ये हम प्रयोग करते हैं। इसका लेंथ और इसके बारे में डिटेल मैं आपको 5th यूनिट में बताऊँगा। एक और हमारे पास डेटा टाइप मिलता है मैथ्स एक्सेस में, लॉजिकल, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये यस या नो हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, ऑन या ऑफ हो सकता है, 3 प्रकार की वैरायटी इसमें होती है। यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार किसी को भी यूज़ कर सकता है। एक और हमको डेटा टाइप मिलता है ऑटो नंबर। जब हम अपने टेबल में डेटा क्रिएट करते हैं तो सीरियल नंबर इत्यादि को हम यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने डेटा को जैसे रिकॉर्ड को बढ़ाते जाएँ तो सीरियल नंबर अपने आप एक एक को इंक्रीमेंट करता जाए। तो जहाँ पर हमें डेटा को हर एक एंट्री के बाद, हर एक स्टेप के बाद एक प्लस करते जाना, इंक्रीमेंट करते जाना है, वहाँ पर हम ऑटो नंबर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। बेसिकली हम सीरियल नंबर इत्यादि के लिए इनका प्रयोग करते हैं, या रोल नंबर इत्यादि, जहाँ पर हमको एक जैसा एक एक क्रम में हमको इंक्रीमेंट करके अपने डेटा को दिखाना है, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये 9 प्रकार के डेटा टाइप इस्तेमाल किए जाते हैं एमएस एक्सेस में। इनकी जानकारी हमको होना आवश्यक है, क्योंकि इनकी जानकारी के द्वारा ही हम टेबल में कॉलम का नाम देंगे, और कॉलम के नाम के बाद जब हम उनका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे तब वह कॉलम उस प्रकार के डेटा को रखेगा जिस प्रकार का डेटा टाइप हम उसको प्रदान करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ किस तरह से हम टेबल को एमएस एक्सेस में क्रिएट करते हैं और किस तरह से एमएस एक्सेस में कार्य किया जाता है। थैंक यू।